वैसे दबानता है ही है मैं वैसे भी दरअसल डिसिप्लिन चाहनी है मैं ते भी जो कोई गलत काम हुंदा होवे तो मैनूं गुस्सा चढ़ जांदा है गुस्सा कर दी है मैं फिर उन ठीक भी करवा लूंगी। पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों को वेलकम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। एक बहुत ही प्यारी सी कवरेज लेकर मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं। आज एक ऐसी पर्सनालिटी एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाना चाहेंगे जिनके तो आई थिंक हम बात करें तो सारे भारतवासी नहीं वर्ल्ड वाइड भी उनके बहुत सारे फैंस हैं। ऑलमोस्ट हर एक पंजाबी मूवी में हम उन्हें देखते हैं। जी हम बात कर रहे हैं निर्मल ऋषि जी की। निर्मल ऋषि जी तो हमें अलग अलग फिल्मों में बड़े शेड्स में नजर आते हैं। कभी अथॉरिटेटिव एक गुस्सा दिखाते हुए कभी आप सबको बहुत ज़्यादा हंसाते हुए लेकिन हम वेट करते हैं मूवी में कि कब निर्मल ऋषि जी हमारे सामने आए और आज रूबरू वो हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि केंद्र सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट हो चुके हैं। जल्द ही उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मिलवाते हैं निर्मल ऋषि जी से। मैम सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे और मैम आपको हमारी एंटायर टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। मैम कैसा लग रहा है? बहुत सारी खट्टी मिट्टी बातें हम आपसे शेयर करेंगे लेकिन सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड के बारे में कभी ऐसा सोचा था और वो मूवमेंट कैसा रहा जब सबसे पहले आपको लेटर आया मेल आया कैसे पता चला कि आप नॉमिनेट हो चुके हैं? लेटर मेल नहीं आया, मेरे को किसी ने कहा कि आपकी इंटरव्यू लेनी है आप बताएं भी कैसे हैं आप ये हैं वो हैं आप बताएं कहाँ रहती हैं। मैंने कहा कोई गड़बड़ होगी आजकल बहुत हिसाब किताब चल रहा है। मैंने कहा मैंने नहीं करना। फिर मेरे फ्रेंड बैठे हुए थे मेरे साथ में भंगू मैडम, उन्होंने बोला कर लो बात। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं करती बात क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं क्या पूछ लेते हैं पर किसी और। फिर हमारे हरभजन गिल हैं यहाँ पे, उनके बेटा ना DPRO यहाँ पे, उसने मेरे को फ़ोन किया कि आंटी आप बात कर लो वो कोई अवार्ड के लिए है। मैंने कहा ये 26 जनवरी को अवार्ड नहीं देते होते। मैंने कहा उसके लिए अवार्ड के लिए आया। फिर मैंने उससे बात की, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पूछा ही मेरा वेरवा ले लिया और हफ्ता फिर कुछ नहीं बोले मेरे को, कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर मैं बताती हूँ ना भाई अपने जो चेयरपर्सन हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी, उन्होंने फिर बोला कि आपको शायद पद्मश्री अवार्ड के लिए इतना। फिर गुगू गिल जी से बात हुई क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो गुगू गिल ने मेरे को फ़ोन किया, वैसे बहुत कम करते हैं, तो कहते बहन जी भी आपका वो हिसाब किताब मांग रहे हैं ये भी आप कैसे। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि किसी अवार्ड के लिए ही आपसे पूछ रहे हैं, फिर मैंने बता दिया था सारा कुछ। वेरी गुड मैम। मैम अगर हम थोड़ी बैक में जाते हैं तो 1981 से आपकी जर्नी शुरू हुई, आज भी एक वो करेक्टर जिसने सभी के दिलों पे छाप छोड़ दी थी गुलाबो मासी की लौंग दा लिश्कारा से, मैम कभी ऐसा सोचा था वो एक करेक्टर आज इतने सालों के बाद भी वही एक छाप छोड़ता हुआ नजर आ रहा है? जहाँ भी आप निकलते होंगे आपको गुलाबो मासी कह के बुलाया जाता होगा। मैम वो कैसा लगता है? वो थोड़ी जर्नी के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। बीइंग एज अ लेक्चरर एक शिक्षिका होने के साथ साथ मूवीज में किस तरीके से आपकी एंट्री हुई? दरअसल मेरे टीचर हरपाल टिवाना नीना टिवाना रहे हैं, वो फर्स्ट थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग जो लेके आए थे, तो उनके पास 66 में मैंने ज्वाइन किया था। उन्होंने ये लौंग दा लिश्कारा हमने ड्रामा किया था यहाँ लुधियाना में, तो फिर वो राज बब्बर उन वक्त उस वक्त में उसका इंसाफ का तराजू मशहूर हुई थी, तो उसने कहा कि सर कैश कर लो मेरे को कैश कर लो, तो कैश करने की वजह से तो फिर हम सब स्टूडेंट ने उनके साथ कैंप किया तो फिर अच्छा लगा। अभी गुलाबो मासी मेरे को बुलाते हैं, मेरे को नहीं मालूम था कि गुलाबो मासी में भी मैं इतनी मशहूर हो जाऊँगी, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगा था कि इतनी सारी आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं मेरे को दो घघरियाँ लेके दे दी, तो मैं गुस्से हो गई थी। शाम को मैंने कहा मैंने नहीं करना रोल, सुबह शूटिंग थी। तो फिर मेरी फ्रेंड हैं या उनकी मदर की सारी 36-36 मीटर की वो घघरियाँ लेके आए, तो फिर मेरे को फिर आज भी वो सारी मेमोरीज आप चेरिश कर रहे हैं। हाँ वो फिर ऐसे लगा ना भाई ये तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है मेरे को ये घघरी सी क्यों पहना दी, और मुझे मालूम नहीं था कि इतना मशहूर हो जाएगा, बट इट्स गॉड्स ग्रेस। मैम आज इतने साल हो गए उसके बाद आज भी हम ऑन स्क्रीन आपको देखते हैं, इतनी सारी सुपर डुपर हिट मूवीज आप दे रहे हैं, निक्का जेलदार फिर निक्का जेलदार 2 रब द रेडियो अंग्रेज, इतनी सारी लिस्ट है कि हम बताते बताते शायद थक जाएंगे यहाँ पे। मैम कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है शूटिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है एंड बीइंग ए सीनियर सिटीजन कैसे मैनेज करते हैं? पता नहीं मेरे में ड्राइव इन है, मैं कोई काम शुरू कर लूँ ना उसको ख़त्म करना भी चाहती हूँ, ख़त्म करती हूँ अच्छी तरह से,
और शुरू भी अच्छी तरह से करती हूँ, बीच बीच में सब कुछ करती रही। अब छुट्टियाँ ले लेके विदाउट पे छुट्टी ली मैंने, बाहर के टूर लगाए, ड्रामा में भी लगाए, फिल्मों में भी काम करती रही ऐसे। दूसरी बात, जो मेरे कॉलेज वाले हैं दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, दे वर बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। जब भी मैं जाती थी छुट्टी लेती थी, जितनी भी मेरी प्रिंसिपल्स आई थी सब ने मेरे को ऐसे नहीं कहा कि मैं नहीं जा, सब कहते थे अच्छा चले जा, अच्छा तुमने जाना है फिल्म करनी, हाँ हाँ जी मैडम फिल्म करनी है। मिसेज ढिल्लो थे हमारे, हरिंदर ढिल्लो, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। बाकी और जितने भी प्रिंसिपल आए उन्होंने मेरे को कभी रोका नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज में ड्रामा कराती थी, उनको ये था कि ये है हमारे पास, बस इतनी सी बात। मैम थोड़े शेड्स की तरफ नज़र डालते हैं, स्क्रीन पे आप नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं पूरी फैमिली बैठ के मूवी को एंजॉय करती है, लेकिन निर्मल ऋषि जी का जो करेक्टर निकल के सामने आता है, कई बार बहुत गुस्से वाला, कई बार बहुत हंसाने वाला, जब गुस्से वाला आते हैं तो कई बार घर में कमेंट्री शुरू हो जाती है कि ऐसी सास होनी चाहिए ताकि बहुएं सीधी रहें, तो मैम वो रोल करना कितना डिफिकल्ट रहता है, या रियल लाइफ में निर्मल ऋषि जी कैसे हैं? नहीं डिफिकल्ट नहीं होता है, मेरे को लगता है जो भी एक्टर है एक्ट्रेसेस हैं उनको पता होता है कि ये बोली ऐसे बोलनी है, ये रोल आपका ये है, आपने इनको झड़कना है या आपने कॉमेडी करनी है या आपने इसको ऐसे शरारत करनी है, तो वो तो फिर डायरेक्टर बताते हैं ना, वैसे हम करते हैं। लेकिन डायरेक्टर के बताने के बाद आप उस करेक्टर को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मैम रियल में अथॉरिटेटिव नेचर आपका है, किस तरीके से आप रहते हैं, या वो एक करेक्टर जो कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं दर्शकों को, हंसने हंसाने वाला एक माहौल रहता है? मैम वैसे मैं मिठी हूँ, शरारती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आज आप सारे दर्शक देख सकते हैं कि निर्मल ऋषि जी ने अपना रियल करेक्टर बिल्कुल उजागर कर दिया सबके सामने कि मैम बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी फ्रेंड्स भी होती है तो उनको कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, मैम मेरे शुरू से स्वभाव ऐसा है, घर में भी मैं ऐसे ही रही हूँ, कोई भी मेरे साथ आ जाता है, लड़के मेरे साथ ट्रेनिंग लेते थे, हमने जो भी करते थे भी थोड़ा है शरारती हिसाब था मेरा शुरू से ही, बचपन से ही। जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछो तो वो कहते कि ऋषि बड़ी शरारती है, मेरी ऋषि है ना कराया कर, मैंने बहुत बारी कहते होंगे सी, पर मैं ऐसे ही करती थी। एक आपकी मूवी आई थी नीमा सास कुटनी, एक बड़ा डिफरेंट सा करेक्टर, हर मूवी में आपका शेड हमने डिफरेंट ही देखा है। तो मैम सेट पे शूटिंग के टाइम पे जो आपके साथ स्टार कास्ट होती है, बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ हम काम करते हैं, वो किस तरीके से आपके साथ रहते हैं, मींस वो माहौल कैसा होता है, हंसी मजाक वाला रहता है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है कि निर्मल ऋषि जी अभी हमें गुस्सा हो जाएंगे? नहीं डर नहीं रहता, सब हंसी मखौल का ही हिसाब रहता है, सब इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ फिर हम रिहर्सल करते होते हैं तो बोलते हैं, तब हम उस रोल को हम सीरियस लेते हैं, मजाक में नहीं लेते, जो भी है गुस्से वाला है मजाक वाला है प्यार वाला, पर जो करेक्टर होता है उसको हम सीरियस लेते हैं। ब्यूटीफुल, करेक्टर को आप सीरियस लेते हैं। मैम बॉलीवुड इंडस्ट्री आज बिल्कुल कम्पीट करती हुई नजर आ रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को किस लेवल पे आज देख रहे हैं, क्योंकि स्टार कास्ट भी हम देखते हैं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में नजर आ रही है, स्टोरी लाइन बहुत खूबसूरत हो चुकी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कॉमेडी बहुत खूबसूरती से निकल कर सामने आती है। हाँ जी अब बहुत अच्छे डायरेक्टर हो गए हैं, राइटर बहुत अच्छे हो गए हैं अपने पंजाबी, यंग बॉयज हैं सब बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम करवाते हैं और लिखते भी बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी स्टोरियाँ लिखते हैं ना जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कितने लोगों की सुनी है कहानियाँ, तो वो उन्होंने दरअसल पंजाब की नब्ज पहचान ली उन्होंने कि पंजाब में सिर्फ डंडा या सोटी या तलवार या बंदूक नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जो निकाल के रखी हैं उन्होंने। मैम ऐसा कौन सा शेड है जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं शूटिंग के टाइम पे, वो गुस्सा दिखाना या वो लोगों को हंसाना, सबसे ज़्यादा निर्मल ऋषि जी किसे एंजॉय करते हैं? गुस्सा बहुत दिखा दिया मैंने, अब गुस्सा नहीं मेरे को अच्छा लगता, हंसाने का टाइम हंसाने का भी अभी कर रही हूँ मैं, और बाकी ऐसे जो सीरियस रोल हैं वो भी मैंने किए हैं। दरअसल मैंने हर तरह के रोल किए हैं, मेरे को ऐसा नहीं कि अब मेरे को ऐसा रोल चाहिए, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैम जब शूट करने जाते हैं पंजाब के भी अलग अलग डिफरेंट विलेजेस में शूट किया जाता है, अब्रॉड भी आप जाते हैं, किस तरीके से देखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री? पहले एक पंजाब की एक सीमा में रह गई थी लेकिन अब एब्रॉड तक पहुंच गई, ऑलमोस्ट हम हर मूवी में देखते हैं कि पंजाब बाहर पहुंच चुका है। हाँ। तो मैम उसको किस तरीके से देखते हैं, आपको लगता है इस चीज़ को अडॉप्ट करने से ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री ग्रो करेगी? हाँ अब बाहर देखो ना, हर लोग हर पंजाबी चाहे वो कैसा भी है, हिंदू है सिख है कैसा भी है, और हिंदी वाले भी, इवन नीग्रो भी हमारी पंजाबी फिल्में देखते हैं। और वहाँ लंदन में हमें मिले बहुत सारे लोग,
और वो ऐसे बुला रहे थे जैसे मैं उनकी कुछ लगती हूँ, बुआ दादी बेबे कह के। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और इंग्लिश लोग भी पसंद करते हैं क्योंकि हमारा जो ड्रम है ना उसकी बीट इतनी अच्छी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड लोग पसंद करते हैं हमारे। जैसे पंजाबी म्यूजिक फेमस हुआ करता था कि जैसे म्यूजिक स्टार्ट होता है तो सबके पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मूवी आती है तो थिएटर्स पे तो हम देखते हैं फॉरनर्स भी ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं सब लोग एंजॉय करते हैं, फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये भी मेरे को जानता है, अच्छा वो भी मेरे को जानता है। अब एयरपोर्ट पे जाओ ना तो सब पहचान लेते हैं। तो मैम जाते जाते हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एक डायलॉग आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे दर्शकों को आज पता चल गया निर्मल ऋषि जी का रियल करेक्टर क्या है। तो मैम कोई एक हंसाने वाला और एक गुस्से वाला, क्योंकि आज लाइव हम चाहते हैं कि दर्शक भी उस माहौल में रंग जाए। आज न पी होना पी पीनी सौखी है तो पी ले बड़ा आया मैं मरना मरना मर जाऊं। एंड मैम हंसा भी दीजिए क्योंकि इससे तो आप सभी बहुत हंसे होंगे। वो मेरे को ऐसे याद रखना चाहिए पर याद नहीं है भी, वो थे ना अपने जो मेरे साथ लौंग दल शिकार ने इसमें, हाँ लौंग दल शिकार में, क्यों पिपड़ी दे पतवर की तेनू कुड़ी किन किमें दे दें डूचन जा जब आ जाए तो बड़ा आया। मैम जो आप जिस करेक्टर में नजर आते हैं कहते हैं वो डायलॉग्स ना अंदर से निकल के बाहर आते हैं, इमोशंस के साथ सोल से कनेक्टेड एक डायलॉग्स हैं जो कहीं ना कहीं सारे दर्शक आज निर्मल ऋषि जी के हर शेड को एंजॉय करते हैं। बात ये है मैंने वो डायलॉग पता नहीं क्यों याद क्यों नहीं रखती हूँ, उस वक्त मेरे को इतना अच्छा लगता है और उसके साथ जो एक आधी लाइन भी जोड़ लेती हूँ, मुझे वैसे कुछ कहते नहीं पर मैं पूछती हूँ कि मैं ये मेरे मुँह से निकल गया, वो कहते ठीक है मैडम आपसे मुँह से निकला ठीक है। जैसे उनके साथ अपने निक्का जालदार में की थी तो सिमरजीत डायरेक्टर थे, तो मैंने बोला सिमरजीत ये मेरे से ज़्यादा लाइन बोलेगी कोई, ठीक है मैडम बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे करते हैं। तो मैम आप कौन सी मूवी में अब नजर आने वाले, क्योंकि आई थिंक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है शूट करना, हमने पहले भी आपसे बात की आप अब्रॉड भी जाते हैं पंजाब में भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे शूट करते हैं, तो मैम आने वाले ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें निर्मल ऋषि जी नजर आने वाले, क्योंकि एक पद्मश्री अवार्ड से तो अब आपको नवाजा जाना है, साथ ही साथ बहुत सारे अवार्ड्स पहले भी मिल चुके हैं, तो उन लोगों के लिए या उन यूथ के लिए जो मूवी में आना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस का शॉर्टकट रास्ता अपना के आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए, आपने भी अपनी बहुत लंबी जर्नी तय की है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि भाई हारना नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई रजिस्टर करेगा, और नहीं करेगा भगवान तो करेगा ना, होता है ऐसा हो जाता है जब हम बिल्कुल कोई हमें इग्नोर कर देना कोई ऐसा चांस है, हमारे लिए भगवान पता नहीं कब क्या लिए बैठा है, तो छोड़ना नहीं चाहिए काम लगातार लगता है। फैमिली सपोर्ट तो हाँ फैमिली सपोर्ट भी मैटर करती है, और ये भी मैं कहूँगी कि उनको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलना चाहिए, जो बड़ी बात करते हैं उनको थोड़ा हो ज़्यादा हो उनको थोड़ा बहुत पैसा देना चाहिए क्योंकि वो काम कर रहे हैं, अगर उनकी ज़रूरत ना होती तो ले ही ना, अगर एक लाइन बोलने वाले की ज़रूरत है तो उसको मनी तो मिलना चाहिए ना। बहुत बड़ी बात की मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई होती है, बहुत बड़ी एक फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ पे बन जाए जिस तरीके से बॉम्बे में है तो एक अलग ही लेवल हो जाएगा पॉलीवुड, तभी लगे रहेंगे ना लोग, नहीं तो वो हट जाएंगे। अब हमें नए नए चेहरों की ज़रूरत है, वो चेहरे कब आएंगे जब हम उन्हें हम हल्ला शेरी देंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे तो वो सारे चेहरे आएंगे आगे आगे। मैम जाते जाते ना हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, आपने बात की नए नए चेहरों की ज़रूरत है, डेफिनेटली हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को नए नए चेहरों की ज़रूरत है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो आज भी निर्मल ऋषि जी को हर मूवी में देखना चाहेगी। थैंक यू मैम अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ पंजाबी अदाकारा निर्मल ऋषि जी, जिन्हें आप कई शेड्स में देखते हैं कई करेक्टर्स में देखते हैं, लेकिन आज उनका एक रियल करेक्टर आप सभी के सामने आया कि कितने हंसमुख कितने बबली कितने जॉली नेचर के हैं वो। तो कहीं ना कहीं अब कुछ ही दिनों में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज उनकी तरफ से डिलीवर किया गया है कि सक्सेस अगर पाना चाहते हैं तो शॉर्टकट के रास्ते पे मत आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप भी आने वाले टाइम पे इस अवार्ड के हकदार बन सकते हैं। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ, कैमरामैन सौरभ के साथ शिप्रा पस्तीजा।